गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिस वीडियो का रहता है आपको बहुत ही इंतजार। सॉरी थोड़ा लेट वीडियो जरूर बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बट हाँ वीडियो आपके लिए जरूर लाने का वादा है तो वीडियो लेके आए। सो गाइज आई विश यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स अ ग्रेट हैप्पी दिवाली। मे माँ लक्ष्मी ब्लेसेस योर कमिंग ईयर विद लॉट ऑफ ग्रीन नंबर्स और आपके आने वाला जो साल है वो प्रकाशमय हो दिवाली के पटाखों की तरह, दिवाली के लाइटों की तरह, फेस्टिवल ऑफ लाइट। सो आई विश ऑल द ग्रीन नंबर्स फॉर द इयर्स टू कम। सो हैप्पी दिवाली फ्रॉम द टीम ऑफ ट्रेडिंग विद तरुण एंड मी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, और आई एम श्योर अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक भी बिल्कुल करेंगे, उसके अंदर कोई कंजूसी नहीं होगी। चलिए चलते हैं और बात करते हैं आज की सेशन की और देखते हैं कि आज का सेशन किस तरीके से रहा, किस तरीके से लेवल्स ने काम किया और क्या सेटअप बन के सामने आ रहे हैं। ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। गाइस आज जो एक कैंडल बनी है बहुत ही सुंदर कैंडल, एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं गाइस, इन तीनों कैंडल को अगर मैं बेसिकली कंबाइन करूँ सो ये कैंडल इज बेसिकली कॉल्ड एन इवनिंग स्टार। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो इट्स बेसिकली बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न और ये एक बेसिकली मेजर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो हमें देखने को मिला। तो मार्केट रिवर्सल का साइन आपको दे चुकी है। आज बहुत अच्छी ट्रेड मिली, हमने जो लेवल्स बेसिकली आपको कल दिए थे पहले उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से उन्होंने काम किया। बैंक निफ्टी से अगर डिस्कस करेंगे तो ये बैंक निफ्टी के लेवल है। आज 3 तारीख थी, आपको मैंने एक लेवल दिया था गाइस कि ये जो लेवल है इसके ऊपर हमें बाय करना है, 40,142 के ऊपर बाय करना है और उसके ऊपर जैसे ही कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है उसके उस कैंडल के हाई कटने के बाद, तो 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज हुई नहीं, हमारी कोई ट्रेड बनी नहीं, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला। अगर आपने यहाँ पर सेल किया होगा तो आपको अच्छा खासा ट्रेड जरूर मिला होगा। यहाँ पर इसके नीचे सेल करने के लिए बोला था 5 मिनट की कैंडल, इसका स्टॉप लॉस लगा के, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर आपने बाय किया होगा तो आपको अच्छे टारगेट भी मिलेंगे। आपको अगर याद हो तो कल मैंने आपको एक बात कही थी गाइस, क्या कही थी, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है। ये कलर करके मैंने इसीलिए कलर नहीं किया है, किसी रीजन की वजह से आपको सपोर्ट जोन बना के दिया था कि ये एक बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। यहाँ से बुक कर लीजिएगा 100% क्योंकि यहाँ से दोबारा से आपको ऊपर की तरफ की जर्नी मिल सकती है। मार्केट ने एक बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ से दिलाई, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी कैप्चर की, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ की कैप्चर की, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ भी कैप्चर की, तीनों जगह से हमने कैप्चर की। वो क्यों कैप्चर की गई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और बड़े मजे आएंगे उसको देख के। क्या है गाइस, 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। इसको हम बोलते हैं गाइस बेरिश फ्लैग पैटर्न। इसने जैसे ही इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया, ये एक इसका सपोर्ट जोन था, ये इसका एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इस सपोर्ट जोन से बाउंस लेके वापस ऊपर गई और नीचे की तरह इसी सपोर्ट जोन के ऊपर आके बंद हुई है। इसके नीचे डबल कंफर्मेशन है गाइस, बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, 38,488 तक के टारगेट आपको नीचे की तरफ दिख रहे हैं इस बेरिश फ्लैग के। ब्रेकआउट भी दे चुका है, रीटेस्ट भी कर चुका है और नीचे भी आ चुका है। हाई चांसेस है बैंक निफ्टी के 38,488, हमने करीब करीब 500 से ज्यादा पॉइंट्स, मैंने और कैशिंग किंग ग्रुप मेंबर्स ने और लोगों ने जिन्होंने ट्रेड फॉलो किया, लेवल्स फॉलो किए, बहुत अच्छी मूव कैप्चर की है बेरिश फ्लैग की। यहाँ से पहले नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे, बहुत ही ज्यादा। देखिए यहाँ से 800 से हम 400 पॉइंट्स ऊपर, 400 पॉइंट्स से नीचे, बहुत अच्छी ट्रेड पकड़ी जिसके अंदर हमने 500 से 600 पॉइंट ग्रैब किया और लोगों ने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया है। वो लोगों ने जिन लोगों ने गाइस फिबोनाची की वर्कशॉप की थी उन्होंने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया क्योंकि उनको मैंने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी दी थी और उनको पता है क्या करना है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए, मार्केट ने एक डिप देने के बाद ऊपर गई और एग्जैक्टली कौन से लेवल से, 50% से रिट्रेसमेंट लिया। कॉन्फर्मेशन लाइन टारगेट 1 टारगेट 2 सबको पता है ये क्या है, कॉन्फर्मेशन लाइन कौन सी है, टारगेट 1 कौन सा है, टारगेट 2 कौन सा है, और इसने टारगेट 1 के पास आके ही दिया, टारगेट 2 भी अभी भी पकड़े। हाई चांसेस हैं 38,488 के टच होने के, ठीक है। कैसे ट्रेड करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो बनता है, निफ्टी ने आप किस तरीके की कैंडल बनाई। तो सबसे पहले हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर।
और उसके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक किस तरीके का बना। ठीक है, यह है निफ्टी का चार्ट। अगर आप देखेंगे इसने भी इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और अगर आप छोटे चैनल के ऊपर देखते हैं तो इसने भी गाइस वही काम कर दिया जो नहीं करना था। बोलते हैं ना कि मैंने ऑलरेडी पैटर्न बना के रखा है, ये पैटर्न ऑलरेडी बना हुआ है, ये एक बेरिश फ्लैग। एक बैरिश फ्लैग, और बैरिश फ्लैग के बाद में इसका ब्रेकआउट ऊपर जाने की कोशिश, नीचे की तरफ आया है। इसका इसका टारगेट भी नीचे की तरफ आपका दिखाई दे रहा है। अब बात यह है कि निफ्टी के जो लेवल दिए थे किस तरीके के दिए थे, आपको मैंने निफ्टी के जो लेवल दिए थे बोला था इस जोन के ऊपर अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो हम बाय करेंगे। इसके ऊपर आपका पहला टारगेट या दूसरा टारगेट आया, इस पॉइंट से रिजेक्शन मिली, यहाँ से नीचे आया मार्केट। ये टूटने के बाद तो आपकी दोबारा से, अगर ये टूटा था तो 5 मिनट की कैंडल जैसे क्लोज हुई है इसका, इसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाय करना था, और आपका टारगेट यहाँ पे भी किया होगा तो यहाँ पे भी आपका टारगेट आया, लेवल्स टू लेवल काम किया तो बिल्कुल आपका पैसा डेफिनेटली बना होगा निफ्टी के अंदर भी। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर आपको ट्रेड कैसे करनी है, अब क्या करनी है। तो ये सबसे पहले तो हमारी नो ट्रेडिंग जोन जो थी इसको हटा देंगे। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन जो है वो हमारी हट चुकी है, और जो हमारी नो ट्रेडिंग जोन है ये सपोर्ट जोन के पास में आ गई, तो हमारी जो नो ट्रेडिंग जोन है थोड़ी सी बढ़ गई है, ये हो गई है ये वाली। ठीक है, अब ये हो गई हमारी नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट अगर साइडवेज खुलती है, गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, कहीं पे भी मार्केट को 39,260 के नीचे हमें शॉर्ट करना है, पुट बाय करनी है। 39,013 के आपके टारगेट होंगे, उसके नीचे आपका टारगेट होगा 38,781 का। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर 5 मिनट की कोई एक कैंडल का क्लोज देती है 39,461, आपको उस तरीके से ट्रेड लेनी है। पहला टारगेट होगा 39,650, 39,777, 39,894, और ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम करेगा, गोल्डन लाइन। और आपको मैंने बताया चार्ट के अंदर कलर के अंदर जब भी मैं गोल्डन लाइन करके देखता हूँ, गोल्डन लाइन बहुत ही अच्छा धमाका करती है। आज भी मुझे मैसेज आया कि सर आपकी गोल्डन लाइन ने बहुत काम किया, देखो कितनी बार सपोर्ट लिया और जब इसका ब्रेकडाउन दिया तो माशाल्लाह नीचे तक बिल्कुल सपोर्ट जोन तक आया, वापस गया सेम गोल्डन लाइन रेजिस्टेंस वापस नीचे, तो बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम उसने देखा। अगर ये डबल बॉटम नहीं बनाता यहाँ से घूम के वापस डब्ल्यू पैटर्न बना के, तो ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, और मार्केट नीचे के लेवल्स आपको दिखाएगी। तो बैंक निफ्टी को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर ये जोन तो भाई बिल्कुल चौपी रहेगी, लेकिन मैं बैंक अगर आपको उसको बाय करना है तो आपको बाय करना है सिर्फ और सिर्फ 17,871 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आपको बाय करना है, यहाँ पर 5 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज होती है आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ओके, और आपका टारगेट होगा 17,932, 17,953, 17,988 एंड 18,000 के टारगेट आपके ऊपर की तरफ निकल के आएंगे। नीचे की तरफ कहाँ सेल करेंगे गाइस, ये जो एरिया है ये इसके नीचे ही आपको शॉर्ट करना है 17,767, तो 700 मतलब इस लेग एरिया के नीचे ही आपको पोजीशन बनानी है 17,700 की पी में। ठीक है, और 17,702 आपका नीचे की तरफ का टारगेट बन के आएगा। ठीक है, 17,702 का टारगेट आप बढ़ा सकते हो, इसके नीचे के लेवल भी आपको मैं करके जो आते हैं 17,702 और 17,604। ठीक है, ये बड़ा इस बीच में कोई सपोर्ट नहीं है तो आपको ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, निफ्टी के अंदर भी आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बड़े सेटअप की मैं बात करूं, क्योंकि मैं लेवल्स के साथ साथ आपको बड़े सेटअप की बात बताता हूं, तो बैंक निफ्टी के अंदर की बात करें, निफ्टी के अभी के जो टारगेट है गाइस, मार्केट ये जो एक जोन है मैं आपको एक जोन बना के दे रहा हूं, ये वाला जोन बड़ा चौपी जोन है, बहुत ही मेजर सपोर्ट जोन है। ये अगर टूट जाता है मौका मिस मत करना, ये सपोर्ट जोन अगर टूट जाता है मौका मिस मत करना। 17,328 तक के लेवल आपको आराम से दिखाई देंगे, यहाँ से 600 से 28 के लेवल आपको बहुत ही आराम से दिखाई देंगे। यहाँ पर एक बाउंस आके आने की उम्मीद है, यहाँ पर आके एक बार बाउंस लेगा और ऊपर की तरफ रिटेस्ट में अच्छे तरीके से देखा, लेकिन अगर ये प्रेशर के साथ में एक बेरिश प्रेशर की कमी के साथ में तो तोड़ता है अच्छी वॉल्यूम के साथ में, सो आपको काफी अच्छा ब्रेकडाउन क्रैकडाउन मिल सकता है। एंड एंड में जो कैंडल्स बनी है उसकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है, लेकिन मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल सकती है, लेकिन आपको बाय कहाँ करना है जब तक मार्केट ये लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकलती है। 17,993 के ऊपर 18,215, ये मोटे लेवल मेजर लेवल, बीच में छोटे छोटे लेवल नहीं दे रहा। ठीक है, बैंक निफ्टी सेम वे में बड़े टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ
तो बहुत अच्छे टारगेट्स हम ऑलरेडी गेन कर चुके हैं फिबोनाची के हिसाब से, भी मैं आपको तरीके बता चुका हूँ। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बॉस मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूँ गाइस, मैं एक बार यहाँ आया था, बुक किया, ऊपर गया, ऊपर की ट्रेड में नहीं ले पाया, नीचे की तरफ मैंने दो बार ट्रेड लिया और काफी अच्छा पैसा बनाया लोगों का दो बार बेरिश सिचुएशन में। जैसे ही मेरे को मेरा ये वाला लेवल टूटता मिलता है 39,273 का, इसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, मैं नहीं छोड़ने वाला 38,400 तक के लेवल, मतलब ये बहुत ही ज्यादा 600-700 पॉइंट का जो फॉल है काफी अच्छा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक घंटा और ये मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन आपको यहाँ तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। इसके साथ में साथ में आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूँ जिसको आपको ध्यान देना है गाइस। आज क्या है 3 तारीख, ठीक है, कल है 4 तारीख और हैप्पी दिवाली उसके लिए। यहाँ पर होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, 1 घंटे के लिए ही मार्केट खुलेगी। कल का आपका डिसीजन आपको एक चीज करनी है क्योंकि मार्केट है बंद फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 3 दिन मार्केट है बंद। एक चीज याद रखना, ऑन मंडे एक्सपेक्ट कर लेना। छोटा दिल वाले, जिनका छोटा सा दिल है ना, वो इस बात को जरूर रखना, जो मंडे के दिन या तो बहुत बड़ा गैप अप होगा, आश्चर्यचकित कर देने वाला गैप अप होगा, या बहुत बड़ा गैप डाउन, या तो बहुत बड़ा गैप अप होगा या बहुत बड़ा गैप डाउन होगा। अब किसी को गैम्बलिंग करनी है तो वो कर सकता है, मैं नहीं पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, हालांकि मेरी पुट की पोजीशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन मंडे को जो होगा 3 दिन का मसाला वो बहुत बड़ा होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी ने अपने कल में गिर के टारगेट पूरे कर लिए तो ठीक, नहीं किए तो मैं फिर से पुट की पोजिशन बनाऊंगा और बड़ी पोजिशन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मंडे के दिन मार्केट या तो दोनों हाथों से पैसा ले लेगी या दोनों हाथों से पैसा दे देगी। एक तरफा बहुत बड़ा गैप अप, बहुत बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है, मैं एम्फसाइज करके बोल रहा हूँ। सो वाइजली टू चूज करके जाना। मैं कोशिश करूंगा मोर ट्रेडिंग में अपने खत्म होने से पहले आपको अपने ग्रुप के अंदर अपना एक व्यू दे पाऊं कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे क्या लगता है कि गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। अगर आपको फॉलो करना है तो छोटी क्वांटिटी में फॉलो कर सकते हैं। मैं क्या पोजीशन बना रहा हूँ वो आपको बता दूंगा, आपके ऊपर करता है कि आपको उसको उस साइड में पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी है, ठीक है। सो वो आपको अपने आप से डिसीजन लेना, लेकिन मंडे के दिन बहुत ही करश्माई चीज होने वाली है, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे, ठीक है। कल शाम को मैंने आपको बताया था वेडनेसडे बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, जो ट्रेडिंग नहीं भी करना चाहता है करिए, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। आज भर भर के पैसा बना, लोगों ने लेवल्स के ऊपर काम किया, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया, निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया, दोनों जगह से ट्रेंडिंग रहा। अक्सर मैं बोलता हूँ कि आज बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा या निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा, कल मैंने साफ साफ बोला था दोनों ट्रेंडिंग रहेंगे, दोनों ने अपना वॉलेटाइल मोमेंटम दिखाया, बेरिश रहा ज्यादातर, लेकिन हाँ वॉलेटाइल मोमेंटम दिखाया, रिकवरी भी देखने को मिली, सब कुछ देखने को मिला, इमोशन साइडवेज सब मिला, मजा आ गया आज की ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है गाइस। ये छोटा सा एनालिसिस था, कल मिलेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ में। हम लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ में और मेंबर्स के साथ में, हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे, बट मैं ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा मैं कौन सी साइड की ट्रेड बना रहा हूँ मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद, और फिर आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे के दिन लाइव सेशन में। एक डिटेल एनालिसिस करेंगे मार्केट का, आपके स्टॉक्स के लेवल्स का, और कुछ लर्निंग से भरी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले, जाने से पहले गाइस, आपको एक और चीज मैं साथ के साथ बता देना चाहता हूँ। मैंने आपको कल एक ब्रेकआउट के बारे में बताया था कि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे सकती है, और आज मुझे मैसेज भी आए लोगों के, 5 मिनट के चार्ट पे था गाइस वो, ठीक है। ये एक सेटअप मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन सा सेटअप, ये वाला सेटअप, बैंक निफ्टी एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना रहा है, उसका ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं इसका ब्रेकआउट हुआ नहीं, ठीक है। अभी भी ये हवर ही कर रहा है इसके ऊपर, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बैंक निफ्टी को बुलिश होना है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना होगा। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर आती है तो आपको डेफिनेटली एक
अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही रहते जाएंगे। बाकी हम डिटेल में फ्राइडे के दिन बात करेंगे इसके बारे में भी, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी गाइस आपसे फ्राइडे के दिन, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए, और सी गाइस इन द मार्केट। बाय बाय।